नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह के ताज़ा समाचार में आप सभी का स्वागत है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज 29 मार्च 2019 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर के आवेदन पत्र आमंत्रित, भीलवाड़ा। कोटा विश्वविद्यालय में कॉरपोरेट स्टूडेंट्स इंटरेक्शन का आयोजन, ग्रुप डिस्कशन के बाद 13 विद्यार्थियों को जॉब के लिए मिला मौका, कोटा। लोकसभा चुनाव से पहले संपन्न होगी स्कूलों में परीक्षाएं, जिला समान परीक्षा 10 से 29 अप्रैल तक, शिक्षा विभाग ने जारी किया टाइम टेबल, भीलवाड़ा। प्रशिक्षण में अनुपस्थित कार्मिकों पर होगी सख्त कार्रवाई, बीकानेर। फोरेंसिक लैब में फोरेंसिक साइंस में बीएससी की अभ्यर्थियों को अयोग्य मानने पर नोटिस जारी, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर। मतदान दलों का प्रथम प्रशिक्षण आज से, कॉपियां जांचने में जुटे गुरुजी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा का कॉपी जांच केंद्र जोधपुर। कांस्टेबल भर्ती दौड़ की वीडियो रिकॉर्डिंग हाईकोर्ट में पेश करने का आदेश जोधपुर। आरयू ने दौसा के दो परीक्षा केंद्र बदले जयपुर। परीक्षाओं में तीसरी आंख से होगी निगरानी, शास्त्री और आचार्य की परीक्षा आज से, 20,917 छात्र होंगे शामिल जयपुर। एडीजे भर्ती 2019-20 की वैकेंसी घोषित जोधपुर। वर्ष 2012 में चयनित शिक्षकों ने गृह जिले में नियुक्ति के लिए 2013 में दोबारा परीक्षा दी। सीबीटी का परिणाम 6 अप्रैल को होगा घोषित, सहायक लोको पायलट अजमेर। आरएस भर्ती में भूल सुधार करने के आदेश, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। विश्वविद्यालयों को रूसा से मिली 2.5 करोड़ की पहली किस्त, शिक्षा और खेल का स्तर सुधारने में होंगे खर्च अजमेर। चुनाव ट्रेनिंग में अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों को नोटिस। राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा से होगा रिसर्च कोर्सेज में दाखिला, इग्नू पीएचडी एमफिल के लिए होगी कवायद। आरपीएससी में ई लाइब्रेरी पूरा परिसर होगा वाईफाई अजमेर। 5वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारियों को दिया अंतिम रूप, 49,429 विद्यार्थी देंगे अजमेर। बोर्ड परीक्षार्थियों को अगली कक्षा में मिलेगा अस्थायी प्रवेश, माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किए निर्देश अजमेर। यूजीसी नेट के आवेदन की अंतिम तिथि कल, एनटीए की ओर से 20 से 28 जून तक आयोजन अजमेर। सीबीएसई 10वीं परीक्षा की परीक्षा आज होगी खत्म अजमेर। चुनाव ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर होगा निलंबन, कार्मिकों को कार्य मुक्त करने के लिए कार्यालय अध्यक्षों को किया पाबंद अजमेर। 2017-18 में 9,947 केस नहीं सुलझे, भर्तियां न होने से मामले अटके, कैसे सुलझे की गुत्थी, फोरेंसिक विभाग में 50% पद खाली, 10,000 मामले पेंडिंग जयपुर। आरयू डेड मार्क में भी नहीं दे सका 4 कोर्स की एडवांस डिग्रियां जयपुर। रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर होने वाली भर्ती के नियमों में संशोधन अजमेर। रेलवे में ग्रुप डी पदों पर भर्ती दस्तावेज सत्यापन के लिए अब 1.5 गुना अभ्यर्थियों को ही अतिरिक्त बुलाया जाएगा अजमेर। एनटीपीसी के 30,000 पदों के लिए 5.5 लाख अभ्यर्थियों ने कराया रजिस्ट्रेशन अजमेर। बंसल क्लासेस का जेडब्ल्यू मेंस एवं नीट के लिए क्रेश कोर्स प्रारंभ अजमेर। कोचिंग का जाना माना ब्रांड पेट्रोन दासवानी ला रहा है पेट्रोन स्कॉलरशिप एग्जाम अजमेर। डीईओ को हिदायत, यूनिफॉर्म और किताबों के नाम पर निजी स्कूलों की वसूली और मनमानी रोकें उदयपुर। सीए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट टेस्ट के लिए स्टूडेंट को दिया एक और मौका उदयपुर। चुनाव ड्यूटी से बचने को बीमारी का बहाना नहीं चलेगा, अब मेडिकल बोर्ड करेगा जांच जोधपुर। जिला समान परीक्षा योजना 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं 11 अप्रैल से, 2 लाख विद्यार्थी देंगे परीक्षा
जोधपुर। नॉन टीचिंग की 10 में से सिर्फ 2 भर्तियां पूरी, कुछ आचार संहिता से अटकी तो कुछ फर्जीवाड़े में रद्द। एमएससी एमकॉम का परीक्षा कार्यक्रम जारी नहीं, सोशल मीडिया पर वायरल, अलवर। मत्स्य विश्वविद्यालय का हल्दीना में निर्माणाधीन भवन फरवरी में होना था पूरा, अभी तक अधूरा, अलवर। सीबीएसई की कॉपियां अब कम से कम 2 शिक्षक जांचेंगे, पूरे नंबर आ रहे हैं तो देने होंगे, अलवर। समाजशास्त्र व अंग्रेजी विषय की परीक्षा अब कला कॉलेज में होगी, बृहत्तरी मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर। मत्स्य विश्वविद्यालय का हल्दीना में निर्माणाधीन भवन फरवरी में होना था पूरा, अभी तक अधूरा, अलवर। राजश्री कॉलेज नियमित एवं बैंक छात्रों के परीक्षा परिणाम जारी, अलवर। यूडाइस कोड के लिए स्कूल 2 तक कर सकते हैं पोर्टल पर आवेदन, अलवर। सीबीएसई नए सेशन से इंटीग्रेटेड आर्ट्स एजुकेशन पर फोकस, कोटा। श्रेणी तृतीय शिक्षक भर्ती 2018 लेवल फर्स्ट 24,685 पदों पर हुई भर्ती में 6,437 खाली, अब वेटिंग वालों को मौका, बीकानेर। पोस्टिंग की एवज में रिश्वत लेते पकड़े गए दोनों कनिष्ठ सहायक निलंबित, बीकानेर। तो दोस्तों, इतिहास के राजस्थान के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।